हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको आज वर्ग निकालने की बहुत ही धांसू ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप चुटकियों में वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो हेडिंग लगाते हैं वर्ग निकालना। इसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक भाग में ट्रिक और दूसरे भाग में कुछ भी हो। ओके, यानी आल नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग आप सेकंडों में निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिक नंबर फर्स्ट, जिसके अंत में फाइव हो, जिसके अंत में फाइव हो। जैसे निकालना है यहाँ पे हमें 25 का स्क्वायर, 25 का, तो ये देखो लास्ट डिजिट कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। लिख दीजिए। अब जो लास्ट संख्या के बाद जो संख्या बची, जैसे ये 2 है, 2 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 है तो किससे करना है मल्टीप्लाई, 3 से, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ये आपका वर्ग हो गया। इसी प्रकार जैसे 35 का स्क्वायर, तो कितना, ये कितना दिया हुआ है, 5। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब यहाँ पे कितना है बचा, कितना जो बचे उसमें 1 ऐड कर उसकी मल्टीप्लाई पिछले वाले नंबर से करा दिए। जैसे 3 है, 3 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया। ओके, इसी प्रकार ये आ गया जैसे 65 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 लिख लेंगे। अब बचा कितना है यहाँ पे, 6। 6 की मल्टीप्लाई 1 नंबर बढ़ा के करनी है, मतलब 6 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7 से, तो 6 × 7 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने आ जाएगा, 42। ओके, इसी प्रकार अगर हम 95 का होल स्क्वायर निकालना चाहें, 95, तो 95 अंत में कितना है इसके, 5। 5 का कितना होता है वर्ग, 25। 9 की मल्टीप्लाई 1 बढ़ा के करनी है, 9 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से, तो 9 × 10 तो कितना हो जाएगा, 90। ये 90। ओके, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं वर्ग सेकेंडों में, जिसके अंत में क्या हो, 5 हो। ऐसे कर लेते हैं 105 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना है यहाँ पे, लास्ट जिसके अंत में लास्ट में 5 है, तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब जो 5 के बाद में जो संख्या बची उसकी 1 अधिक के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है यहाँ, 10 की 11 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो आपका ये वर्ग हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको जिसके अंत में 5 होगा वो उसका वर्ग निकालने में आपको सेकेंडों का टाइम लगेगा। अब हम बताते हैं ट्रिक नंबर सेकेंड। ट्रिक नंबर सेकेंड,
सेकेंड। ट्रिक नंबर सेकेंड क्या कहते, जैसे अब देखेंगे ट्रिक नंबर सेकेंड, जैसे हमें आ गया 11 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसे कुछ नहीं, देखो यहाँ पे कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 2 बार, तो 1 2 फिर रिवर्स हो जाइए 1, ऐसे लिखना 1 1 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितनी बार 1 1 लिखा है, 3 बार, तो 3 बार जाइए 1 2 3, अब रिवर्स चले जाइए तो कितना 2 1, रिवर्स कहाँ तक जाना है, 1 तक रिवर्स जाना है, ठीक है। ऐसे है अगर 1 1 1 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो कितनी बार एक लिखा हुआ है, 4 बार, तो आपको 1 से लेकर 4 तक जाना, 1 2 3 4, अब रिवर्स हो जाना है कहाँ तक, 1 तक, तो कितना हो जाएगा 3 2 1। इसी प्रकार 1 1 1 1 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 5 बार, 1, तो 5 बार, 1 से 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, अब रिवर्स हो जाना है कहाँ तक, 1 तक, 4 3 2 1। अब इसी प्रकार कोई भी नंबर हो, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 का होल ऑफ स्क्वायर, कितनी बार लिखा हुआ है 1, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 3 2 1, ये हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ग निकालने की विधि है, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तौर से आप इसे निकाल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। जैसे अब देखो आ गया 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 0 9। ओके, अब जैसे इसी प्रकार आ जाए ये 33 का होल ऑफ स्क्वायर, 33 का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या करेंगे, हम इसे लिख लेंगे 0, देखो लास्ट वाले अंक का हम वर्ग, तो कितना होता है 0 9, इसके बीच में गैप रखेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले अंक के बाद में कितने अंक हैं, एक है, तो एक बार इससे छोटा, कितना, ये 8 हो जाएगा, एक बार इससे बड़ा, तो ये हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आ जाएगा अगर 3 3 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो वही करना है, कुछ नहीं, इसके लास्ट अंक 3 है, ठीक है, तो इसको 3 का कितना होता है 0 9 0 9। ओके, इनके बीच में गैप रख लेंगे, क्यों, इसके देखो लास्ट थ्री के पहले कितनी बार 3 है, 1 2, तो 2 बार इससे एक कम लिख देंगे, 8 8, और 2 बार इससे अधिक लिख देंगे। ओके, इसी प्रकार जैसे आ गया ये 3 3 3 3 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, देखो ये देखो इसको क्या 0 9, इनके बीच में गैप कर लेंगे 0 9, अब इसके पहले कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 4 बार, तो 4 टाइम्स इससे एक कम लिख देंगे, 8 8 8 8, 1 1 1 1, ठीक है। ओके, इसी प्रकार अगर आ जाए 3 3 3 3 3 3 3 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो बस लास्ट डिजिट कितना है इसका, 3, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 0 9। ओके, अब इस लास्ट वाली संख्या छोड़ के कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार इससे कम लिखेंगे, तो कितना 8 8 8 3 हो गया, 4 5 6, अब 6 बार 1 से बड़ा लिख देंगे, 1 2 4 हो गया, 4 बार, और ये 6 बार, तो आपका ये ट्रिक नंबर 3 पूर्णतः कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम देखते हैं
ट्रिक नंबर फोर। ट्रिक नंबर फोर जैसे आप देखेंगे यहाँ 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये अब जैसे 6 का होल ऑफ स्क्वायर आ जाए तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, गैप कर लेंगे इसमें, ठीक है। अब लास्ट वाले 6 के पहले कितनी बार 6 है, एक बार है, तो 1 टाइम्स इससे एक कम और 1 टाइम इससे एक अधिक, ये हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार आ जाए 6 का होल ऑफ स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 6। तो पहले 6 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 36, ओके। अब इससे पहले कितनी बार, कितने टाइम्स 6 है, 1, 2, 3, तो 3 टाइम्स इससे कम लिख देंगे एक, तो 6 से एक कम कितना होगा 5। अब 3 टाइम्स इससे एक बढ़ा के लिख देंगे कितना 4। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पे 6, 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 कितनी भी बार 6 हो इसका होल ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ओके। तो हमें कुछ नहीं करना है, ओके। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। कितनी टाइम्स इससे पहले 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 टाइम इसका एक कम लिख देंगे कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 टाइम इससे एक बढ़ा के लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका ट्रिक नंबर 3 कंप्लीट, ट्रिक नंबर 4 कंप्लीट हो गई। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया है ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5, तो ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है, अब जैसे आ जाता है इसका बहुत ही यूज, जैसे 9 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है 81। अब 99 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम 81। बस लास्ट वाले 9 के पहले कितनी बार 9 है, एक बार है, 1 टाइम्स इससे कम लिख देंगे, 1 टाइम इससे अधिक लिख देंगे, वही पिछली वाली ट्रिक है इसमें, ठीक है, ओके। अब जैसे आ जाएगा 999 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये 9 का वर्ग कितना होता है 81, ठीक है, इसमें गैप कर लेंगे। कितने टाइम्स इसके पहले 9 है, लास्ट वाले 9 से पहले कितनी टाइम्स बार 9 है, तो कितनी है, कितना है 2 टाइम्स है, तो कितना 2 बार इससे कम लिखेंगे 0, 0, और 2 बार इससे अधिक 9, 9। अब इसी प्रकार 9, 9, 9, 9, 9 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। तो कितना है 9 का वर्ग कितना होता है 81। कितनी टाइम्स 9 है इससे पहले 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम्स इससे कम लिख देंगे कितना 1, 2, 3, 4। अब 4 टाइम्स इससे अधिक बार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ओके, एनी प्रॉब्लम। अब तुम्हें वर्ग निकालना है, कुछ भी हो सेकेंडों में आप वर्ग बता देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसेस नंबर 2 पे, कुछ भी हो, ओके।
तो कुछ भी हो उसके लिए वर्ग निकाल लेंगे हम। क्या, जैसे ये कर लिया मैंने, जैसे सपोज कर लो 25 का ही मैंने वर्ग ले लिया है, ठीक है, 25 का होल ऑफ स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, इसको दो भाग में ब्रेक कर लेना है, दो भाग में ब्रेक कर लेना है। तो 5 8 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा ये 25। ओके, दो डिजिट में लिखना है, लास्ट वाली संख्या का वर्ग करके दो डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ओके, ये फर्स्ट वाला नंबर काट देंगे, फर्स्ट वाला नंबर उसके नीचे काट देंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे, ठीक है। तो 2 5 10 10 2 20 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 526, कितना आ गया 625। ओके, कुछ भी हो, किसी का भी निकालना हो, जैसे हमें निकालना है 65 निकालना है हमें 34 का होल ऑफ स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको दो भाग में ब्रेक कर लेंगे। ये लास्ट संख्या कितनी है 4, लास्ट संख्या कितनी है 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। ओके, दो डिजिट में लिखना है, दो डिजिट में, तीसरी डिजिट का यूज नहीं करना है। अब 3 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब फर्स्ट वाली डिजिट काट देंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ये ऐसे इसकी 4 3 12 12 2 24, ये लिख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 5 और ये 11। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब कोई भी नंबर हो, किसी भी संख्या का नंबर हो, ठीक है, एक क्या, एक से लेके 1000, कोई भी हो, सारे में इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे आ गया 106 का होल ऑफ स्क्वायर, तो दो भाग में ब्रेक कर लेना है, ये दो भाग में ब्रेक। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब 10 का कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर। अब एक संख्या छोड़ दीजिए, काट कर दीजिए, एक संख्या कट कर दीजिए, अब इसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे, कितना हो जाएगा 10 × 6 × 2, तो कितना हो जाएगा भैया 10 × 60 60 दूना कितना होता है 120, तो 120 लिख देंगे यहाँ पे, नॉर्मल जोड़ दीजिए जैसे जोड़ा जाता है 3 2 1 1। ओके, कितना आ गया 11236। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके ज्ञान को बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगी। सेकेंडों में आप वर्ग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, किसी भी नंबर का निकालना हो, 1 से लेकर 1000, ठीक है, 10000 तक कुछ भी हो उसे हम निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे हो जाएगा यहाँ पे 86 का होल ऑफ स्क्वायर, 86 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको दो भाग में ब्रेक कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 का होल ऑफ स्क्वायर 36, ठीक है, और 8 का कितना हो जाएगा 8 जा कितना हो जाएगा 64। ओके, अब कुछ नहीं करेंगे हम, फर्स्ट डिजिट इधर, लास्ट डिजिट काट देंगे, ठीक है, लास्ट डिजिट, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम 8 × 6 × 2, ठीक है, ये कितना 8 × 16 × 6, 16 × 96 96, ये ऐड कर देंगे, नॉर्मल ऐड करना है, कितना हो जाएगा यार 6 9, और ये कितना हो जाएगा 13 3 और ये 7। ओके, हो गया 7396। तो इस तरीके से आपकी वर्ग निकालने की ट्रिक और कुछ भी हो निकालना आप सीख गए होंगे, और अगर सीख गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।